नमस्ते बाल मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज विषय अंग्रेजी में शू शीखवानुं तमारे? अंग्रेजी मूळाक्षर ने योग्य चित्र साथ जोड़ो, चित्र ओळखी तेनो पहलो नानो मूळाक्षर लखो। जो पहला तमारे शू करवानुं छे? चित्र ओळखवानुं। अंग्रेजी मूळाक्षर ने योग्य चित्र साथ जोड़ो। आ अंग्रेजी मूळाक्षर आपेला छे अने एना सामे चित्र आपेला छे, तो तमारे योग्य चित्र साथ जोड़वानुं। आ शू कहेवाय? आने शू कहेवाय? जे। तो तमे शू बोलो बाळ मित्रों? जे फॉर जग। तो सामे जगनुं चित्र क्या आपेलुं छे मने बताओ? जे फॉर जग। आ चित्र आपेला एमां तमारे जगनुं चित्र शोधवानुं। क्या आपेलुं? ए आ रह्यो जग। तो जे ने कोनी साथे जोड़वानो? जग साथे। पछी बाळ मित्रों शू आपेलुं छे? कयो मूळाक्षर आपेलो? बी। तो बी फॉर बॉल। तो बॉलनुं चित्र क्या आपेलुं? आ रह्यो। तो बी फोर बॉल। आने शू कहेवाय? आई। आई फोर आइसक्रीम। तो आइसक्रीमनुं चित्र क्या आपेलुं? ए आ रह्यो। तो आईने कोनी साथे जोड़वानो? आइसक्रीम साथे। जो आने शू कहेवाय? जी। जी फोर गन। गन एटले बंदूक। तो बंदूकनुं चित्र क्या आपेलुं छे? आ रह्यो। जी फोर गन। तो जी ने कोनी साथे? गन साथे। पछी एस फॉर सन। सन एटले सूरज का तो सूर्य। तो एस फॉर सन। एस ने सन साथ जोड़ी देवानो। ओके। पछी जो बाळ मित्रों आने शू कहेवाय? एफ। एफ फॉर फेन। एफ फॉर फेन। एफ फॉर फिश। तो एफ फॉर फेन साथ आपणे अहींया जोड़वानो। तो फेननुं चित्र क्या आपेलुं? ए आ रह्यो। एफ फॉर फेन। फेन एटले पंखो। पछी के फॉर काइट। काइट एटले पतंग। तो के ने कोनी साथे? काइट साथे जोड़वानो। के फॉर काइट। ओके। पछी आर फॉर रेट। तो रेट नुं चित्र क्या आपेलुं? रेट एटले उंदर। आर फॉर रेट। आने रेट साथे जोड़ी देवानो। पछी यू फॉर अम्ब्रेला। अम्ब्रेला एटले छत्री। तो यू ने कोनी साथे? अम्ब्रेला साथे। पछी ए फॉर एप्पल। एप्पल एटले सफरजन। तो सफरजन चित्र क्या आपेलुं? ए आ रह्यो। ए फॉर एप्पल। जो बाळ मित्रों अंग्रेजी मूळाक्षरने योग्य चित्र साथे जोड़ाई गयुं। हवे चित्र ओळखी तेनो पहेलो नानो मूळाक्षर लखो। नानो मूळाक्षर एटले कयो मूळाक्षर? बीजा बिश्रीना मूळाक्षर तमारे लखवाना। चित्र ओळखवानुं अने बीजा बिश्रीनुं मूळाक्षर तमारे लखवानुं। जुओ आने शू कहेवाय? सी फॉर कप। શું કહેવાય? સી ફોર કપ। આપણે સી ફોર કેટ પણ બોલીએ અને સી ફોર કપ પણ થાય, તો એ શું લખવાનું? ચિત્ર ઓળખી તેનો પહેલો નાનો મૂળાક્ષર। અહીંયા નાનો મૂળાક્ષર એટલે બીજી આબીસીનો સી તમારે લખવાનો, નાનો સી, સ્મોલ સી। ઓકે। સી ફોર કપ। અને શું કહેવાય? ડી ફોર ડક। શું કહેવાય? ડી ફોર ડક। તો પહેલો કયો મૂળાક્ષર લખવાનો? નાનો। અને શું કહેવાય? સ્મોલ ડી એટલે પહેલો નાનો થયો। પછી આને શું કહેવાય? આઈસ્ક્રીમ। તો તમે બોલો છો ને આઈ ફોર આઈસ્ક્રીમ, તો કયો મૂળાક્ષર લખવાનો? પહેલો નાનો મૂળાક્ષર એટલે કે સ્મોલ આઈ। આઈ ફોર આઈસ્ક્રીમ। આને શું કહેવાય બાળ મિત્રો? એલિફન્ટ। તો ઈ ફોર એલિફન્ટ। તો કયો મૂળાક્ષર લખવાનો? પહેલો નાનો મૂળાક્ષર, તો એ શું લખવાનું? ઈ। લખાઈ ગયું સી ફોર કપ, ડી ફોર ડક, આઈ ફોર આઈસ્ક્રીમ અને ઈ ફોર એલિફન્ટ। ઓકે। જો બાળ મિત્રો તમારે પણ ઘર નોટબુકમાં સારા અક્ષરે બોર્ડમાં જે વર્ક કરાવ્યું એ પ્રમાણે તમારે લખવાનું અને પહેલી અને બીજી એબીસીડી મોટે લખતા શીખી જવાનું। જય શ્રી કૃષ્ણ।